उनको सस्ती लगेगी, उनके लिए कोई पैसे की वैल्यू नहीं है, वो आम आदमी का दुख दर्द नहीं जानते हैं। अब मेरे के पास में भी मुख्यमंत्री जी का एक मैसेज आया राजस्थान सरकार की तरफ से कि महंगाई राहत कैंप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और मोदी जी जब बाड़मेर 2013 के अंदर आए थे तब बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था और काफ़ी लोगों को याद होगा और मैं भी वहाँ था। तो उन्होंने दोस्तों राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं, चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियाँ भी राजनीतिक अखाड़ों में उतर चुकी है। आज हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता बायतू से आरएलपी का प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार रामजी बेनीवाल साहब हैं। इनसे जानते हैं कि चुनावों को लेकर के किस प्रकार की रणनीति है, आरएलपी 2023 के विधानसभा चुनावों में आरएलपी का क्या प्रदर्शन रहेगा। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी जो राजस्थान के अंदर 2023 के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और चुनावों की अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है, उसी के तहत अभी हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। आगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए ताकि पिछली बार बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट फाइट में थे, बिल्कुल जीत के नज़दीक थे। थोड़ी बहुत जो कमियां पिछली बार रह गई हैं उसके अंदर सुधार करेंगे और जो पिछली बार गलतियाँ हुई वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और अच्छी तैयारी करके जनता के बीच में जाएंगे। बहुत अच्छा। हरीश चौधरी की अगर बात करें तो बजरी का मामला बेनीवाल साहब पिछले काफ़ी समय से आरएलपी भी पूरे राजस्थान भर में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम आदमी बजरी से वास्तव में पीड़ित है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। बजरी को मामले को लेकर के हरीश चौधरी का आज से 4 दिन पहले अपना एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि बजरी बाड़मेर में सस्ती मिल रही है, और इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हरीश चौधरी ने बिना आधार के यह बात कही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? बिल्कुल बिना आधार के बात की है। बाड़मेर के अंदर कहाँ है सस्ती बजरी? बजरी जो 7-8 हज़ार का ट्रक आ रहा था वही आज 25 से 30 हज़ार रुपये का ट्रक आ रहा है, उनको सस्ती लगेगी, उनके लिए कोई पैसे की वैल्यू नहीं है। वो आम आदमी का दुख दर्द नहीं जानते हैं, वो हमेशा रईसी में जिए हैं, उनके लिए 25-30 हज़ार रुपये सस्ती लग रही है, लेकिन आम जन परेशान है। आपने भी अभी लोगों का व्यू जाना है, उनसे पूछा है, और वो सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, कोर्ट का बहाना बना रहे हैं कि हाईकोर्ट ने बजरी के नियम कानून कायदे तय किए लेकिन रेट तय थोड़ी किए। हाईकोर्ट ने ये थोड़ा ही बोला कि आप मन मर्जी से जितना लूट सको उतना जनता को लूटो। रेट तय करना सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है। अगर गवर्नमेंट की ठेकेदार नहीं मान रहा है तो इसकी लीज रद्द करे, उसके पैरेलल नई पॉलिसी बना के और लीजें अलॉट करे ताकि लोगों को सही भाव में बजरी मिले। उनका तर्क है कि बाड़मेर के अंदर अन्य जिलों से सस्ती है, अन्य जिलों में तो पहले ही महंगी थी। बाड़मेर में बजरी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यहाँ से लूणी नदी जो बड़ी लंबी बाव सेतर है नदी का, या करीब 300 किलोमीटर नदी का बाव जोधपुर से शुरू होती है कस्केरन तक जाती है, तो प्रचुर मात्रा में बजरी है। और 50 रुपये गवर्नमेंट को तो रोयल्टी के 50 रुपये मिल रहे हैं और उस हिसाब से उसने ऑक्शन लिया है और अपनी मन मर्जी से जनता को लूट रहा है। और जैसे उसका सुनने में ये आया कि 80 लाख रुपये में इसने टेंडर लिया था कॉन्ट्रैक्टर ने एक लीज का जो बालोतरा की, और उसमें रोज़ के वो 60-80 लाख रुपए तो रोज़ कमा रहा है, तो मतलब कई गुना ज़्यादा रेट ले रहा है। और ये लग रहा है कि पूरे राजस्थान की बात करें तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजरी ये घोटाला है। बाड़मेर के अंदर हनुमान बेनीवाल भी पिछले दिनों आए थे और बहुत ही बड़ी जनसभा रखी थी बजरी के मामले को लेकर के, उसके बाद से भी अभी तक कहीं ना कहीं इस मामले का समाधान नहीं हुआ है। क्या रणनीति रहेगी आगे की बजरी मामले को लेकर के आरएलपी की? देखो बजरी के आंदोलन की शुरुआत बालोतरा से ही हुई थी और धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लिया और अभी भी हम आंदोलित हैं और इसका पीछा छोड़ा नहीं है। समय समय पर बजरी की बड़ी रैलियां हुई, अभी 8 बड़ी रैलियां हुई, रैलियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया, चेताया, और ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से जो स्टॉक कर रखे थे उसके ऊपर मुकदमा भी करवाया, पैमाइशें करवाई। आखिर ठेकेदार सरकार के ऊपर आशीर्वाद है सरकार का, इसलिए वो ठेकेदार को कोई डर नहीं है, चाहे कितने ही मुकदमे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। और हमने तो प्रयास किए थे, ये बाड़मेर में भी अभी मुकदमा दर्ज हुआ है कि वो अवैध रूप से स्टॉक किया है, जो स्टॉक तय नियम सीमा और जो पर्यावरण के कानून कायदे थे उनको ताक पे रखे हुए वो किसी की सुन नहीं रहा है, मनमानी से खनन कर रहा है और अवैध तरीके से खनन के साथ साथ अवैध तरीके से बड़ी लूट कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं। और हमारा संघर्ष जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक बजरी सस्ती नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छा। बायतू विधानसभा की अगर बेनीवाल साहब बात करें तो बायतू के अंदर आरएलपी और उसके साथ साथ कांग्रेस भी अपनी कमर कस चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अब राजनीतिक अखाड़ों में उतर चुकी है। पिछले दिनों मंत्री कैलाश चौधरी की बायतू के अंदर एक जनसभा थी, उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये चुनावी आगाज है। आपका
मुकाबला किससे होने, बायतू के अंदर आपका मुकाबला किससे होने वाला है, आपकी टक्कर में कौन रहेगा? देखिए, हम तो हमारे खुद के ऊपर भरोसा है और हम जनता हमारे साथ में है, सामने चाहे कोई भी आए, दोनों पार्टियां सत्ता में, एक पार्टी बीजेपी केंद्र के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी है और कांग्रेस है राजस्थान के अंदर सत्ता के अंदर है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं ने कोई जनता के लिए कोई खास बड़ा नहीं किया। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बाड़मेर का प्रतिनिधित्व केंद्र के अंदर है और बाड़मेर जिले को कोई बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, जैसे रेल प्रोजेक्ट की बहुत आशा थी पूरे बाड़मेर वासियों को कि बाड़मेर को नई रेल लाइन मिलेगी जैसलमेर से बाड़मेर भाबर गुजरात तक, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, लोगों का आना जाना ईजी हो, ट्रांसपोर्टेशन ईजी के साथ साथ में बिजनेस भी बढ़े। उसके साथ साथ में बाड़मेर के अंदर सिविल एयरपोर्ट की भी डिमांड लंबे समय से चल रही है, वो भी पूरी नहीं करवा पाए और रेल वाला भी नहीं करवा पाए, और उसके बाद में एक सूखा ड्राई पोर्ट की उम्मीद थी कि केंद्र के अंदर बड़े मंत्री अहदे के ऊपर हैं तो बाड़मेर के अंदर बाकासर के अंदर बड़ा ड्राई पोर्ट बनना वाला था, उसके ऊपर भी कुछ काम नहीं हुआ। और केंद्रीय कृषि मंत्री है तो कृषि संबंधित भी बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि बाड़मेर के अंदर बाड़मेर के हर खेत तक, किसानों के खेत तक नहर का पानी आए, उसके ऊपर भी कोई जीरो काम हुआ। मोदी जी जब बाड़मेर 2013 के अंदर आए थे तब बड़ा लंबा छोटा भाषण दिया था और काफ़ी लोगों को याद होगा और मैं भी वहाँ था तो उन्होंने वहाँ कहा था कि मेरे गुजरात के कच्छ के अंदर आम और अंगूर की खेती हो सकती है तो बाड़मेर के अंदर क्यों नहीं हो सकती। अगर सत्ता के अंदर हमको लाओगे तो बाड़मेर के अंदर नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर को जोड़ देंगे और बाड़मेर के हर खेत तक, हर किसान के खेत तक नहर का पानी होगा और किसान खुशहाल होगा और किसानों को बहुत अच्छे सपने दिखाए, लेकिन उनके ऊपर कुछ काम नहीं दिया किया, खाली झूठी घोषणाओं और बड़े बड़े वादों के खिलाफ के अलावा दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया। और राज्य सरकार की बात करें, घोषणाएं तो बहुत हुई पर 4.5 साल हुए, अभी तक कोई खास काम नहीं हुए, इक्का दुक्का कोई रोड वगैरह का काम के अलावा, वो भी इसका भी रोड, इसकी बॉर्डर की रोड है, सेफ्टी की डिफेंस की रोड है, इसके अलावा और भी कोई काम यहाँ हुआ नहीं है, लेकिन घोषणाएं बहुत हुई। अभी पिछले दिनों कई बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि और लोगों को कह भी रहे थे कि हमने यहाँ से यहाँ तक रोड बना दी, यहाँ से यहाँ तक घोषणा कर दी, यहाँ से यहाँ तक ये कर दिया, वो स्कूल कर दिया, ये कर दिया, घोषणाएं के अलावा धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। स्कूलें तो जरूर खुली है लेकिन मास्टर नहीं है, मास्टर यहाँ थे वो ट्रांसफ़र होके चले गए और अभी और वैन खुला है, थर्ड ग्रेड वाले जो बसे कुछ हैं वो भी जाने वाले हैं, स्कूलें खाली है, हॉस्पिटल खाली है, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, और जो बड़े बड़े वादे कर रखे हैं गवर्नमेंट ने कि 25 लाख रुपए तक का दवाई फ्री, ये फ्री, लेकिन फ्री के नाम पर बोर्डों के अलावा कुछ नहीं है। आज भी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, आप चाहे हीरा की डाणी के हॉस्पिटल में जाओ, सोऊ के जाओ, या प्रयू के जाओ, गिड़ा के जाओ, बायतू के जाओ, वहाँ आपको 200-250 रुपए तक की दवाई फ्री में नहीं मिलेगी, वहाँ एक पर्ची मिलेगी और साथ साथ में मेडिकल का नाम भी साथ में गुप्त से उस पर्ची देखेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे कि फला मेडिकल से लेके आओ तब अच्छी दवाई मिलेगी आपको। ये खाली झूठी घोषणाएं हैं, जनता को बरगलाया जा रहा है। अगर राहत सरकार को देनी है तो बजरी सस्ती करे और पेट्रोल डीजल के दाम कम करे तो अपने आप महंगाई के अंदर राहत मिलेगी। खाली कैंप लगाने से और प्रचार प्रसार करने से राहत, महंगाई में राहत नहीं मिलेगी। महंगाई में राहत देने के लिए आपको पेट्रोल डीजल की कीमत कम करनी है, करनी पड़ेगी, और बजरी के भाव कम करने पड़ेंगे, और भी जो जन सुविधाएं हैं उसके अंदर सुधार करना पड़ेगा, तभी जनता को असली राहत मिलेगी। नहीं, खाली बोर्डों से, घोषणाओं से और विज्ञापनों से कभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। विज्ञापनों से याद आया कि राजस्थान सरकार हाल ही के दिनों में एक वेबसाइट जारी करेगी और जिसके माध्यम से आम जन उस वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करके सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे, इस तरह का कुछ ये खबर सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल झूठा और दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब मेरे के पास में भी मुख्यमंत्री जी का एक मैसेज आया राजस्थान सरकार की तरफ से कि महंगाई राहत कैंप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपको जल्दी राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि मैं और मेरा परिवार का कोई सदस्य उस महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं गया और उल्टा वहाँ झूठा अपनी मर्जी से आंकड़ों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आंकड़ों के अंदर ही रात बता रहे हैं और धरातल के ऊपर कुछ नहीं रहे हैं। ये झूठा और भ्रमक प्रसार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता व बायतू से RLP के मजबूत उम्मीदवार रामजी बेनीवाल। इन्होंने अपनी राय रखी तमाम मुद्दों पर। आपकी इस राय के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।